लवे सोना पिंडी पवा दे। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बंगला आजाद कश्मीर ने अंदर किसे राई नहीं साथ किया। दे बंगला शाहकार जिया मस्तार जिया। इतना ये बार खूबसूरत आ, इस तो दुगना तिगना और चुगना अंदरू खूबसूरत आ। बंगला पिंडी पवा दे, बंगला भी सोना पिंडी पवा दे, बंगला पिंडी पवा दे, बंगला भी सोना पिंडी पवा दे, बंगला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अतीक रहमान और तुसा तकी रहे हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कश्मीर व्लॉग। उम्मीद करना ठीक ठाक उसो, खैरियत नाल उसो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमानी चोसो। वीडियो ने स्टार्ट च अज तुसा एक इंट्रो तकिया, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारा। यकीन मनसो के बेशुमार बेशुमार इलाके, बेशुमार जगह सा फिरे हैं, इंतहाई खूबसूरत खूबसूरत मकान, कोठियाँ, बंगले तके। बहरहाल अज जड़ा ये बंगला सो इंट्रो विच तकिया, इस तू पहले मैं इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बंगला आज़ाद कश्मीर ने अंदर किसे नवी नहीं सा तकिया। यकीन कर सो कि तुसा ये तकी सकने इस वक्त इसने अगे पिछे और स्क्रीन पर जड़े शार्ट पहले तके तुसा, इंतहाई प्यारे और इंतहाई खूबसूरत और इस बंगले ने, और इस बंगले ना ना हशमत वेला। और ये जड़ा बंगला आ ये हाजी मारूफ एंड सन्स, ये उन्होंने बंगला और इंतहाई खूबसूरत आ। जितना ये बार खूबसूरत आ, इस तू दुगना तिगना और चुगना अंदरू खूबसूरत आ। असा इस वीडियो की बनाने पे काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे भैन भ्रा जेड़े वीडियो तकने और उनकी होना कि असा की इस तरीके ना पता चले कि असने आज़ाद कश्मीर ने अंदर कितने कितने खूबसूरत मकान मौजूद है। जेड़े भैन भ्रा इस तरीके ने बनाना चाहे, कुछ करना चाहे, अज नहीं वो वीडियो तकसो तुकी पता चल सी कि इतने हाजी आरूफ साहब जरा इतने कम किया, इंतहाई खूबसूरत और खाड़क ने अंदर यकीन मरसो जिस लोकेशन पर एक कार मौजूद है, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा पूरे असा इस इलाके की भी नाल कवर किया। सो खुद अंदाजा करी कि सो कि इस तू अच्छा और इस तू प्यारा किसी जगह भी मकान या कोई बंगला सोगी नज़र नहीं अच्छू लगा। मैं तो यह आखना कि ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर ने अंदर भी इदियाँ प्यारा कोई बंगला नहीं आ। तुसा कुछ इसने शार्ट तक ही किनो, फिर मिलने तो सही वीडियो ही अगे। लोगों साडे घर वाला रोला साडा आपरे, असा पक्के ठले ते रोला साडा आपरे, असा पक्के ठले ते रोला साडा आपरे, असा दोए इक ते हां, असा दोए इक ते हां, रोला साडा आपरे, असा पक्के ठले ते रोला साडा आपरे, असा पक्के ठले ते हाँ जी दोस्तों। असा तुसें ये कुछ शार्ट दसे इस बंगले ने, बार सू ड्रोन शार्ट और उन ड्रोन शार्ट ने अंदर तुसा इस ना ये जरा सहन बनता वा बार इंतहाई खूबसूरत आ। हूँ तुसें ये दसने चले हैं कि ये जरा बंगला एक केड़ी जगह पर मौजूद है, इसनी एग्जिट लोकेशन क्या ही है। ज़िला मीरपुर, काफ़ी सारे दोस्त असने भैन भ्रा इस इलाके नाल ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बेशुमार जानने ही जानने, और यूनियन कौंसल खाड़क और इस ग्रां का जरा ना आ सेब कल्याल, और इतने लोकेशन पर जितने कार आ काफ़ी सारे भैन भ्रा ड्रोन ने शार्ट इतने क्या आ, इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। और ये जरा खारक ना ये एक इलाका पूरा इसकी आख ही सकने हैं, एक जजीरा नमाया, जजीरा नमाया इसने त्रियां सैडा पर पानी आ और एक सैड पर इसने खुशकी है। और जिस टाइम मंगला डैम ना पानी अप होना तो इंतहाई खूबसूरत हो जाना। हूँ तुसा कि इसने अंदर काफ़ी सारे दोस्त भैन भ्रा ये चीज़ एक आखने होने कि तुसा फुला ही कौन दसने, तो यकीन करो कि जेड़े इतने असा फुल तके हर रंग ना इतना फुल मौजूद है। फैजान भाई अगर तुसा आई जाओ करीब इस साइड पर कुछ तुसा दसी सको कि इतने फुल है कि जिन्होंने असा की नाम ही नहीं पता ही, इतने ज़्यादा हर किस्म ना, और इस पूरे इस गार्डन की जरा ना इतने खूबसूरत तरीके नाल सजाया। और इस साइड पर अगे आई जाओ फैजान भाई तुसा की उस साइड पर भी दसने, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत एक गार्डन है। इस तो बाद कि अंदर भी असा जुलसा, अंदर भी जुली कह दसा कि इसने बंगले ने अंदर और क्या क्या चीज़ा मौजूद हैं। घर का बेड़ा गलिया ते बाजार पसंद, सारा शहर पसंद, तू मजहर अखदा तारा है, तेरी हर एक गल दिलदार, वो गल इतनी जई माया, गल इतनी जई माया,
वो कदे कदे मिलया कर पावे रोज न सही माया वो कदे कदे मिलया कर पावे रोज न सही माया हाँ जी दोस्तों तुसा की असा नाल नाल शार दसने पे हां तुसा इस कोठी की तकने पे हो हुन तुसा ही दसने है कि हाजी साहब जिथे इतना खूबसूरत और इतना प्यारा अपना घर बनाया उत्थे हाजी साहब नाल इत्थे नाल अगले पैसे तुसा की मैं ड्रोन शार्ट ने अंदर दसा कि हाजी साहब इतना प्यारा खूबसूरत अल्लाह ने घर भी बनाया जिसने वास्ते जमीन अपनी उन्हें दी है और इतना प्यारा उन्हें ये घर बनाया अल्लाह पाक ने। इस मस्जिद का नाम सा सदीकिया मस्जिद और ए पीर अलाउद्दीन सदीकी साहब नहरिया शरीफ वाले जेडे उन्होंने नाए सू इस मस्जिद की रखा गया और आजी साहब भी उन्होंने मरीद है और आजी साहब अपने घर ने अंदर एक बहुत बड़ा हाल भी बनाया हुआ मिलाद वास्ते और पीर वास्ते जरा एक उन्होंने इतना रायशगाह भी बनाई हुई है इंतहाई खूबसूरत। चलो मैं वीडियो ने दसा वो भी तकी है और हाल भी नीचे मौजूद है। बातें कसमा भी तोड़ बंदिया ए असा हाँ जी ढोला असा हाँ जी ढोला न भेंदे बदिया और हो गया ता छोड़ बंदिया ए बातें कसमा भी तोड़ बंदिया हाँ जी दोस्तों तुसा की यह दसना कि काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ की इस बंगले की तकी तो सोचने सुन कि यह बंगला कितने रकबे मौजूद है। इस बंगले की टोटल जी जगह है वह पंज कनाल है जिस विच इन्होंने रोड भी त्रिया साइडा पर इस बंगले ने रोड भी है और इस बंगले ने अंदर रचने वास्ते चार मेन गेट भी है। इसने बंगले ने जी खास गल् हूँ तुम्हें दसने बड़िया नोट कर अहम गल् जी सब तू पहले कि यह जड़ा बंगला आ इस जलजला अल्लाह की तरफों अगर आई हुआ तो उसने कहता कोई भी चीज़ बची नहीं सकनी बहरहाल छोटे मोटे केसों सू ये कुछ भी नहीं होना जलजले सू ये बची सकना है। और दूसरी चीज़ इसने अंदर खास चीज़ यही है कि यह हीट प्रूफ है। इसनी जो दीवारा ही उन्होंने चौड़ाई 22 इंच है 22 इंच इसनी चौड़ाई है और इन दीवारा ने अंदर ऐसा चीज़ा पाइं गई जिन्हों की वजह सू और मौसम ने लिहाज न सर्दियों में मेरे अंदरों गर्म रहने और गर्मियों में वो ठंडे रहने। सोनी साड़ी वादी यारो सोनी साड़ी वादी यारो जन्नत नजी असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर सोनी साड़ी वादी यारो जन्नत नजी असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर हाँ जी दोस्तों हूँ असा यकीन करो तुसा कि जिस पार्क च आही सकने और इन्होंने कार ने नाल जरा सैन बनाया ने इंतहाई खूबसूरत ऐ तक ही सकने तुसा माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत प्यारा है एक फुहारा भी बनाया हुआ ने इसने विच पानी जरा मुसलसल चलना पे और इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई यूनिक किस्म ना ये बनाया और है भी तुसा तक ही सकने कि सारे अगर फैजान भाई सा कैमरा नज़दीक करी के दसी सको ये पत्थर लगे हुए
माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत किस्म बनाया ने और इतना किसी ने इस लाइटिंग भी हुई है। बाकी पानी माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत लगना पाया। इस साइड पर अगर तकी सकने माशाल्लाह एक जो पैरोट है उसने भी एक स्टैचू रखा ने इंतहाई खूबसूरत। इधर बहने वास्ते जगह माशाल्लाह इंतहाई प्यारी बनती हुई और एक इसका एंट्रेंस गेट इस साइड भी मौजूद है ये आला। और एक चीज़ तुम्हें और भी दसना कि इस साइड पर फैजान भाई असा चीज़ मिस करी गए है जेडे एनिमल माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत ये भी लगने पे तकी सकने हो। ये भी दसने कि इस साइड पर एक स्टैप बाय स्टैप इन्हें जो सैन बनाए हुए जिन्हें बच्चे फलों ने बूटे लगे हुए माशाल्लाह तकी सकने हो, जिसने अमरूद भी मौजूद है, लुकाट, माल्टा और इस साइड पर भी इस साइड अम्ब भी मौजूद है। बाकी और इतना मुख्तलिफ मुख्तलिफ बूटे मौजूद है। अच्छा, इस बंगले ने असा जिक्र किया था कि इसने चार गेट है और चौं गेटा की खास गल यही है कि अगर असा इस गेट चु इंटर होने तो इस तरह थ्रू आउट असा दूसरे गेट चु निकली सकने, अगर उसने चु इंटर होने तो इसने चु निकली सकने। इस तरह तो चौं गेटा ने यह एक खास चीज़ है। और दूसरी एक इसने ये भी खास चीज़ है कि यह चार गेट इसमें पता हर गेट पर डिफरेंट डिफरेंट बैल मौजूद थी। अगर इतने अंदर कोई गार्ड मौजूद हुआ तो उसकी अगर पता ना चले कि किड़े गेट पर बैल हुई है तो उसने आसानी वास्ते है। और एक और भी चीज़ें तुम्हें मैं दसना चला कि इन गेटा पर अज साहब अपने चौं भ्रा ने ना भी मनसूख किए हुए चौं गेटा पर, ठीक है। और अगर इस गेट पर कोई बैल करना आया तो अंदर जिले बैल बजसी वो आवाज़ ये कि फलाने गेट पर जासो तो वो गार्ड आई जैसी इतने नाल बैल अंदर चलसी वो गार्ड आनी तो इतों दरवाज़ा खोलसी तो बंदा आया वह तो वो अंदर इंटर करी सकना। इस गेट का ना आ अलहाज महबूब, इस गेट का ना आ अलहाज मारूफ, इन्हें जरा ना आ अलहाज सलमान साहब ये अजी साहब ने बड़े पाइए। इस गेट का चौथा गेट है इसने ना आ अलहाज कुरबान साहब और ये भी अजी साहब ने पाइया न। अच्छा दोस्तों, इसलिए तुम्हें पता कि जरूरियात जिंदगी बेशुमार चीज़ें हैं जिन्हें चु इसलिए गड्डी बड़ी अहम हो गई है। और अजी साहब माशाल्लाह दो गड्डियां रखी जिन्हें एक विगो भी है और एक इन्हें को हुंडा स्विक जो कि इस वक्त बाजार निके उन्होंने आए हुए तो उन्हें बाजार खड़ी हुई है। और माशाल्लाह तुम्हें पता कि इसलिए गड्डियां की बड़ी जरूरत है। और तुम ये दसने कि यह जो गड्डियां ये भी इंग्लैंड चु मंगवाई गई हैं और तुम तकी सकने माशाल्लाह गड्डी ने पूरी लुक तकी किनो। और हूँ तक कुछ असा शॉट दसने जे ड्रोन ने हवाले ना अस कुछ रे थे माशाल्लाह गार्डन ने शॉट वो तकी किनो। फिर उस तो बाद अस अंदर जुलने और अंदर सु जिले दसा तो उसकी अखा खुली जा सुन के पता चलती कि काफ़ी सारे दोस्त सैवन स्टार या फाइव स्टार होटलें गए सो बड़ा मैं तो आखना कि अंदर जिले जुलो तो यह तो 10 स्टार सू ही अपर है। वीरपुर चक सवारी टुटेल लाणी ते लाल पक्की यारी साडे नाल। वीरपुर चक सवारी टुटेल लाणी ते लाल पक्की यारी साडे नाल। यारां दे यार असी, यारां दे यार असी, वीरां दे असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर, असा कश्मीरी साडा देश। अच्छा, इस साइड पर गड्डियों वास्ते गैरेज बनाया हुआ ने और जेड़ा सुंगी ये शटर नजर रचना पिया ये भी इंपोर्टेड है और ये भी इंग्लैंड से मंगवाया गया और ये बिजली ने जरिया ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल सिस्टम है और ये भी रिमोट पर अगर इसकी ऑन ऑफ किया जाए तो ये बुन पर भी रिमोट ने जरिया आना। हूँ तुम्हें दसने जिते असा जिक्र किया सा पीर साहब ना कि उन्होंने इतने बनाई भी ने बेडरूम बनाई भी ने और कॉन्फ्रेंस हॉल इतने माशाल्लाह मौजूद आ। अगे अस चलने ये भी दसने पीर साहब ने बेडरूम आई जो फैजान भाई माशाल्लाह ये तुम देखी सकने हो पीर साहब ने बेडरूम बनती भी है और इसने नाल ही जी बाथरूम है इस साइड पर अंदर बाथरूम है। दोस्तों ये वो हाल है जिसने असा जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस हाल है और इतने मुख्तलिफ मकासद वास्ते इसी इस्तेमाल किया जाना जिन्हें कोई दुआ हो या मिलाद हो और तुम तकी सकने माशाल्लाह इतने बहने वास्ते भी जगह बनती भी है बड़ी बेहतरीन और बहुत ही बड़ा हाल है। और इसने अंदर माशाल्लाह अगर फैजान भाई सौ पर छत दसी सको इंतहाई खूबसूरत किस्म ने इसने च रोशनियाँ लगी और इस छत ने अंदर इंपोर्टेंट किस्म ना आला किस्म ने इसने साउंड सिस्टम भी मौजूद आ जो कि जिस दौरान इतने महफिल होनी है कोई प्रोग्राम होना तो जिले आवाज़ की सारे मैनेज करने वास्ते इतने साउंड सिस्टम है माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इंतजाम किया वाने। अज मैनू यारो मेरा पिंड याद आ गया सुपने जवाके ब
अंदर चलने हैं। ये असा आया मेन एंट्रेंस जो एंटर होया तो ये इसना पहला छोटा जा हाल आई गया। इस साइड पर मेन हाल जड़ा है गेस्ट रूम अंदर आ जाओ फैजान भाई। ऐ तो कह सकते हो माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई आला आला किस्म दी इत्थे चीज़ां इस्तेमाल कीतियां गईयां। और हुण तुसां की दसने है कि इस पूरे बंगले ने अंदर 70-80% जिहड़ियां इत्थे चीज़ां इस्तेमाल कीतियां गईयां मटीरियल इस्तेमाल कीता गया वो इंपोर्टेड है यूके चों। और माशाल्लाह तुसां तां कह सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत तरीके नाल हर चीज़ की इन्हें मैनेज किया वा। और कम ही तुसां जो ऐसे बंदे हो जिन्हां कोई इहो जिही चीज़ तकी हुआ है। हुण आई जाओ अगे तुसां की डाइनिंग रूम भी दसने हैं नाल किचन है फिर टीवी लॉन्च है वह भी दसा। आई जाओ फैजान भाई इस साइड पर एक टॉयलेट मौजूद है। ये जेडे इत्थे गेस्ट वगैरह आने ना वो इसकी इस्तेमाल करी सकने। ऐ आई गया बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल सो तकी सकने हो इस वक्त माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और इतना प्यारा आ कि सो इसनी खूबसूरती सो नज़र रखनी उसी माशाल्लाह और इंतहाई खूबसूरत है। फैजान भाई इसने खाली सो ये टेबल ने अपर जो शीशा पिया हुआ ये भी दसो उस तो बाद चेहरा भी दसो बाकी इसने इस साइड पर पर्दे वगैरह भी माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। इस साइड पर बहुत बड़ी अलमारी है जिसने जो बर्तन वगैरह भी मौजूद है तो इसने नाल अटैच इधर किचन है वह भी तुम जुले वह भी दसने। ए आई गया माशाल्लाह किचन इसना तक कह सकते हो बहुत बड़ा किचन है। फैजान भाई तुम इस साइड पर एक दफा पूरे की सही करीब वाजिया करो फिर तुम दसने कि इसना जो मटीरियल है एक कितों है। माशाल्लाह इंतहाई प्रोफेशनल किचन है और इसने अंदर भी जितना मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वह भी इंपोर्टेड यूके चू मंगवाया गया और इंतहाई खूबसूरत तरीके और इसकी बनाने का तरीका सब कुछ जो कुछ इतना बनता वा वो बैरूने मुल्कों में जिस तरह होना उस तरह। फैजान भाई आए जो टीवी लॉन्च माशाल्लाह तुम्हें दसने कि टीवी लॉन्च कितना खूबसूरत है। फैजान भाई एक दफा तुम सारे कैमरा मारो आनी कह इतने तुम्हें सोफे जो नज़र रखने पे इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई प्यारे प्यारे ये भी यूके चू मंगवाए गए। और इस तो बाद माशाल्लाह टीवी तुम तकी सकने 75 inches है और ये भी यूके चू मंगवाया गया। और इस नीचे हीटर अगर फैजान भाई इसने कोल जासो है तुम तकी सकने माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत हीटिंग जी करना पे और इसने ये जी लाइटिंग तुम्हें नज़र रखनी उसी और इंतहाई खूबसूरत ये भी चीज़ है। अगर फैजान भाई पीछे लगे जाओ तो यह अपर जी चीज़ है ये तुम दसो लाइटिंग ने हवाले नाल इंतहाई खूबसूरत है। और इसने अंदर इस वक्त अपर असल अज मौसम जोड़ा है वो बारिश ना होया वा तो इसने अपरू जी रोशनी है वो इंतहाई ज़्यादा इतने पैनी है शाम तक भी हूँ भी इतने काफ़ी टाइम हो चुके तकरीबन 5 मिनट टाइम होने लगा फिर भी अपनों रोशनी बेहतरीन किस्म इतने नीचे अचनी है। और माशाल्लाह तक ही सकने हो कि इस तरीके ना इतना प्यारा जरा बंगला है महल है कुछ भी नहीं तकिया वाला। और दूसरा इतने गर्मी ने वास्ते जरा ए सी वगैरह भी मौजूद है दो। और हूँ फैजान भाई मैं आखना अपर जुले हैं अपर भी जुली दसने और उस तो बाद एक इस साइड पर ऐसी तुम दसी उड़ो माशाल्लाह बेहतर भी असं चलो दसी छोड़ने के आखी सकने झूला आखी सकने पंगूरा भी आखी सकने और उस तो बाद माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत बनाया वा ने नाल। फैजान भाई असं बैडरूम भी दसनिया चाहिए ना आई जो तुम बैडरूम भी दसने कि वो अगर ना दसा तो फिर अच्छी गल नहीं है आई जो ऐ तो कह सकने जी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन और सुपर किस्म का बैडरूम इतना मौजूद है। इस साइड पर दसो फैजान भाई दो इसनिया माशाल्लाह विंडो हैं और इधर ड्रेसिंग टेबल है। असां कश्मीर दे नवाब सजनो असां कश्मीर दे नवाब सजनो सच कहंदे सरकार असी यारां दे आ यार सच कहंदे सरकार असी यारां दे आ यार असी सोहणियां मशूकां दे हिसाब
सजनों वे असा कश्मीर दे नवाब सजनों जी असियां यूके दे नवाब सजनों वक्त असं पहुंचे हैं दूसरी स्टोरी पर। माशाल्लाह जी फैजान भाई अपर अगर तुम कैमरा मारी दसो इंतहा खूबसूरत जी चीज़ मिगी लगी है वो इसने यह चीज़ लगी है जिसने बिच रोशनी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके नहीं थी चैशनी तकी सकने जी माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और इसने बड़ी खूबसूरत चीज़ जी अपर नज़र अच्छी उसी कि असन ये तस्वीर मुड़ी तो वापस अपर नज़र अच्छी जो कि मिरर लगे हुए और ये वैसे तो टीवी लॉन्च है इसने जो कोई जरूरत सी ना तो इतना एक बेड लाइव ही है बहरहाल ये टीवी लॉन्च है इस अपनी स्टोरी ने यह भी माशाल्लाह सब जितना भी माल है इसने ये भी इंपोर्टेंट है इस वक्त असं मौजूद हाँ इस बंगले ने छत पर और माशाल्लाह असं की नीचे नज़ारे नज़र अचने पे इस वक्त तुम पानी भी नज़र अचना उसी और सब्जा भी नज़र अचना उसी जितनी भी जगह तुम्हें सब्जा नज़र अचना पाया इतने पहले पुराना मीरपुर और पुराना खड़क होने सन ये जितने भी भैन भ्रा असं ने इन कुर्बानियां दिखाई हुई तो अज तुसा कि इस साइड पर जो मंगला डैम नज़र अचना आ सब असने इन मीरपुर ने भैन भ्रा इन्हों कुर्बानियों ने बदौलत यह सारा मंगला डैम बनता आ और माशाल्लाह इंतहा खूबसूरत इतों नज़र अचना पाया और इस वक्त जिस जगह पर असं रुके हुए हैं ये न्यू खड़क है और पहाड़ी साइड पर जी अगर फैजान भाई तुम थोड़ा जूम करी दसी सको वो जी पहाड़ी पर तुम माशाल्लाह इंतहा खूबसूरत मकान जुड़े हुए नज़र अचने उस न्यू मीरपुर है सिटी है पूरा उस साइड पर और हूँ तुसा कि इस साइड पर अगर फैजान भाई तुम इस साइड पर वही दसी सको असा ना पहाड़ी साइड पर इस्लामगढ़ काकड़ा टाउन और उस साइड पर वो पहाड़ियाँ भी नज़र अचनियाँ पे मौसमी हालात की वजह सो हूँ तुम्हें पता कि आसमान पर काफ़ी बादल भी पे हुए जिसकी वजह सो अनगरीब बारिश भी होने ली और एक चीज़ मैं वीडियो ने अंदर जिक्र किया सा कि हाजी साहब माशाल्लाह जिथे आपने इतना खूबसूरत महल बनाया उत्थे हाजी साहब अपने घर ने करीब ही माशाल्लाह अगर फैजान भाई तुम दसी सको एक बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है असं जुले हैं मस्जिद ने अंदर तो मस्जिद ने अंदरों जुले गया तुम्हें दसने कि हाजी साहब वो कितनी खूबसूरत है कितनी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है सिर्फ
असा इस वक्त मोहियुद्दीन सदीकिया मस्जिद मौजूद हाँ, जो कि हाजी साहब माशाल्लाह तैयार कराए रहे। फैजान भाई अंदर आए जो अंदर चले क्या दसने। इस मस्जिद ने दो फ्लोर है, एक जिस तरह बिल्कुल असा अपने ही मौजूद हाँ, सेम बिल्कुल सेम इस तरह नीचे भी है। और अजय इस मस्जिद ना काम मुसलसल जारी आ, सो तकी सकने अंदरों माशाल्लाह शीशे ना काम होना पाया और बाकी कुछ जरा दीवारों पर भी शीशा लगया, वायरिंग ना काम होना पाया। इस तरह का माशाल्लाह इस बाहरी साइड पर भी जेडे एक गुम्बद है, फैजान भाई दसों दसी सको माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत किस्म ने इन फूल और शीशा लाए, तो बड़ी खूबसूरत नक्शो नगार बनाए हुए ने और दीवारों पर माशाल्लाह टाइल भी लगी हुई। और माशाल्लाह जिथे हाजी साहब इतना खूबसूरत अपना घर बनाया, हाजी साहब इतना प्यारा ही अल्लाह ने घर भी बनाया आ। और मैं स्पेशली हाजी साहब ने बड़ा शुक्रिया अदा करना, उन्हें असा की अपने घर बुलाया, नाल इलाका नाल मस्जिद हर शह हाजी साहब असा की दसी है। मैं हाजी साहब बड़ा शुक्रगुजार हाँ तुसना, तो उम्मीद करना सारे भैन भरा की भी अज की वीडियो जरूर पसंद आई उसी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो की लाइक भी करे, शेयर भी करे और कमेंट करे, तो लाजमी तुम्हें दसिया कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी है। इंशाल्लाह तुसा तक अच्छी अच्छी वीडियो कि नहीं दोबारा भी हाजिर होने सर। दुआ है कि अल्लाह ताला शाद और आबाद रखो, दुनिया और आखिरत की तमाम तरह कामयाबियां दें, जितने भी दुख दर्द तकलीफें अल्लाह ताला तुम्हें नसू जल्द अज जल्द निजात अता करो। हूँ मिकी फैजान भाई की दो इजाजत, अगली वीडियो मुलाकात उसी, अल्लाह सोने वाला है।